Assalamualaikum, welcome to my channel Mathematics. Some exercise 4.1 कर रहे हैं हमने कंप्लीट इंटीजर फैक्टराइजेशन से कर लिया. आज हमने करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से. क्वेश्चन नंबर 15 से लेते 20 तक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होता है. हम स्टार्ट लेते हैं अपना 15 से. 5x² - 13x + 6 = 0. यहाँ पे a आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर साथ जो वैल्यू होती है. बस हम इसी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू जीरो. सो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है. अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा a इजल टू 5, b इजल टू -13 एंड c इजल टू 6. अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं. ये हमारे पास x के साथ है. यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला x लिखना है इस साइड पर. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. यहाँ पे बी सी वैल्यू पुट कर दी -13 स्क्वायर माइनस 4 × 5 × 6 / 2. ए हमारे पास 5 ही है. तो ये आ जाता है 13 + -169 - 120 / 10. तो ये आ जाता है हमारे पास 13 + -49 / 10, 13 + -7 / 10. सो अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे. एच इक्वल टू 13 + 7 / 10 एंड एच इक्वल टू 13 - 7 / 10. यहाँ पे आ जाएगा एच इक्वल टू 20 / 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एच इक्वल टू 13 - 7 = 6/10. तो ये आ जाएगा हमारे पास एच इक्वल टू 2 और एच इक्वल टू 3/5. तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 2 and 3/5. क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह हमने ए बी सी की वैल्यू ले लेनी है और उसे पुट कर देना है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. वैल्यू है हमारे पास 15x² + 2ax - a² = 0. जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 15 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2a है और सी की वैल्यू हमारे पास -a² है. फार्मूला अपना लिख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास एच सी वेरिएबल है तो हमने एच से रेफरेंस से ही फार्मूला लिखना है. -b + -b² - 4ac / 2a. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. बी सी वैल्यू हमारे पास 2a है प्लस माइनस 2a² - 4. a की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू -a² है 2 × 15. -2a + -4² - ++60 a² / 30 - 2a + -64 a² / 30. ये आ जाता हमारे पास +-8 8 + 64 होता है आ जाता 8a. इससे हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इस 8a बचते हैं पीछे. अब इसे तो हम प्लस में लिख लेंगे. -2a - 8a + 8a / 30 एंड एच इक्वल टू -2a - 8a / 30. सो ये आ जाता हमारे पास एच इक्वल टू 6a / 30 और ये आ जाता हमारे पास एच इक्वल टू -10/30. सो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 1 2 2 5 15 2 3 0. सो एच इक्वल टू 3/15 आ जाएगा ए नहीं बल्कि इसे हम 3 1 3 3 5 15. सो यह आ जाएगा ए बाय 5 और यह आ जाता हमारे पास 0 0 से अंतर पीछे बच जाए हमारे पास -a/3. सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ गई a/5 and -a/3. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है
वो बहुत सिंपल है, 16x² + 8x + 1। उसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 16 है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, और सी की वैल्यू 1 है। उससे अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 19, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। x - a x - b + x - b x - c x - c x - a = 0। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x * x² x - b - b x - a - x - - + ab। इसी तरह पहले हम एक्स वाले तो एक्स तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x * x x² देन अगेन x - c - c x। अब -b × x - b x - b + c आ गया। x² - ax - cx + ac = 0। अब हम इधर x² 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 ये हमारे पास 3x² आ गया। इसी तरह -ax और -ax ये हमारे पास -2ax आ गया। -bx और यहाँ पे -bx है, -2bx आ गया। -cx और -cx -2cx आ गया। +ab + bc + ca या ए सी बात या अपनी मर्जी जो मर्जी लिख लें। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा 3x² - 2 समन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच जाएगा a + b + c + ab + bc + ca। ए सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, बी की वैल्यू है हमारे पास -2 × a + b + c। हमने इस वाले के साथ कंपेयर कर लेना +bx + c, और सी की वैल्यू है हमारे पास ab + bc + ca। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हम यहाँ लिखने रहते हैं, -b + -b² - 4ac / 2a। आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज कर लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। आप तो बी सी वैल्यू माइनस हमारे पास ये है, और माइनस हमारे पास क्वेश्चन में भी हम बी सी वैल्यू है -2 a + b + c + -bc लिखने हमने, तो यहाँ पे हमारे पास वापस से -2 a + b + c (2+-4) ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, और सी की वैल्यू हमारे पास ab + bc + ca। तो इस पूरी पे अंडर रूट है हमारे पास (2×3). तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 a + b + c + ये है, तो ये हमारे पास -+ हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। अब इसे स्टेयर खोल लेते हैं, a + b + c आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आपको ये मल्टीप्लाई करना सिखा देती हूँ, a + b + c × a + b + c। तो पहले a तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a × a, a² a × b, ab a × c, ac। इसी तरह अब b × इस पूरे से कर लेते हैं, b × a, ab b × b। जो हमारे पास सेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए बी था तो मैंने नीचे लिखा, जो हमारे पास सेम है यानी b × b² होता है तो वो मैं अलहदा लिख लूँगी, और b × c, bc होता है वो भी आधा लिख लूँगी। अब सी तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c × a ac c × b bc एंड c × c c² तो ये आ जाते हैं हमारे पास a² + c² + 2ab + 2ac + b² + 2bc। सब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, a² + b² + c²
ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए या ए सी, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो वो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए माइनस, यहाँ पे हमारे पास है थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय सिक्स, ये आ जाता है हमारे पास टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर, फोर मल्टीप्लाई टू एट ए बी प्लस एट, हम इस फोर तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी सी प्लस फोर सी ए माइनस ट्वेल्व ए बी माइनस ट्वेल्व बी सी माइनस ट्वेल्व सी ए बाय सिक्स, ये आ जाता है हमारे पास टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास इसी तरह रहेंगे फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर, एट ए बी माइनस ट्वेल्व ए बी हमारे पास माइनस फोर ए बी आ जाता है, एट बी सी माइनस फोर ट्वेल्व बी सी माइनस फोर बी सी आ जाता है हमारे पास, एंड ट्वेल्व सी ए माइनस एट सी ए माइनस ट्वेल्व सी ए, तो हमारे पास पार्टी बच जाता है माइनस फोर सी ए बाय सिक्स। सो ये आ जाए हमारे पास इस फॉर्म में, अब हम ले लेते हैं इसका फोर समन, तो हम इस पूरी में से फोर समन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाय सिक्स, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट फोर लगा कर लिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लगा कर लिया बाय सिक्स, ये भी हमारे पास टू बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाय सिक्स, तो दोनों से हम टू समान ले लेंगे, पीछे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच जाएगा बाय सिक्स। सो ये कैंसिल हो जाएगा, टू वन जो टू टू थ्री जर सिक्स, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाय थ्री। तो यहाँ तो सॉल्व नहीं हो सकता, ना में सत स्क्वायर बना सकते हैं, सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट यही आ जाता है, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाय थ्री, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाजमी नहीं होता हमारे पास किसी एक छोटा सा ही तो आंसर हो, मतलब हमारे पास कई बार इस तरह से अजीब आंसर भी आ जाता है, सो अगर ऐसा जवाब आप तो आ जाए पेपर में तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कई बार टीचर खुद ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसका अजीब आंसर ही आता हो। सो अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं, ए प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस ए प्लस टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जनरल फॉर्म होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्मॉल यूज हुई है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी, बी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस टू बी प्लस सी, एंड सी की वैल्यू हमारे पास बी प्लस सी है,
सो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। सो बी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस टू बी प्लस सी है, प्लस माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बाय टू ए प्लस बी। सो हमने ये इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस इंटू ए प्लस टू बी प्लस सी माइनस। अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चाहते हैं हम इसका फार्मूला ओपन कर लें। ए प्लस टू बी प्लस सी ए प्लस टू बी प्लस सी। सो सबसे पहले हमने इस ए को ऊपर वाली तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी इन नीचे वाली वैल्यू सब एक दफ़ा भूल जाएं। सबसे पहले ए इंटू इस सब पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई टू बी टू ए बी, और ए मल्टीप्लाई बाई सी ए सी। अब ए तो भी भूल जाएं और सी तो भी भूल जाएं। अब टू बी तो मल्टीप्लाई कर लेना है इस पूरी वैल्यू के साथ, टू बी मल्टीप्लाई बाई ए टू ए बी, टू बी मल्टीप्लाई बाई टू बी फोर बी स्क्वायर, एंड टू बी मल्टीप्लाई बाई सी टू बी सी। अब इन वैल्यू से भूल जाएं और सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई सी ए सी, ए सी मल्टीप्लाई बाई टू ए टू बी सी, एंड सी मल्टीप्लाई बाई सी सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस टू ए सी प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी प्लस सी स्क्वायर। से हम अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर बी सी प्लस टू सी ए या ए सी, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम वापस चलते हैं उस पेज पे जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर बी सी प्लस टू सी ए। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, यहाँ पे हमारे पास बी प्लस सी है, सो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस बी और ये है हमारे पास बी प्लस सी। सो बी मल्टीप्लाई बाई ए बी, बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाई सी ए सी, एंड सी मल्टीप्लाई बाई बी बी सी। तो ये आ जाना हमारे पास ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। सो हम इधर लिख लेते हैं और इसे माइनस फोर साथ मल्टीप्लाई साथ लिख लेते हैं, माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर बी सी। हमने जस्ट ए बी प्लस बी सी तो मल्टीप्लाई किया और इसे माइनस फोर साथ मल्टीप्लाई साथ हमने इसकी वैल्यूज लिखी हैं, बाय टू ए प्लस बी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम कैंसिल करना शुरू कर देंगे, फोर बी स्क्वायर और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस फोर बी स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फोर ए बी एंड माइनस फोर ए बी भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह फोर बी सी हमारे पास प्लस में भी है और यहाँ पे हमारे पास माइनस में भी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह पीछे हमारे पास बच गया ये ए सी है या सी ए, आपकी अपनी मर्जी है, सी ए लिख लेते हैं यहाँ पे। सो प्लस टू सी ए और माइनस फोर सी ए तो माइनस टू सी ए बच जाता है, तो हम पीछे वाली बात दोबारा लिख लेते हैं, प्लस टू बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास सी स्क्वायर है और टू सी ए माइनस फोर सी ए तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस टू सी ए बाय टू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा ए माइनस सी स्क्वायर। सो अब इसे हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा माइनस इंटू ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस
a minus c by 2 a plus b. सो ये दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और ये दफ़ा माइनस में. ये माइनस तो हमारे साथ दोनों में आया क्योंकि हमारे पास पी थ्री वैल्यू है. पहले हम प्लस वाले इससे सॉल्व कर लेते हैं. थ्री इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी टू ए प्लस बी. सो ये आ जाता है हमारे पास प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाता है. पीछे बच जाता है हमारे पास एच सी इक्वल टू माइनस टू बी माइनस टू सी टू इंटू ए प्लस बी. सो एच सी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है. यहाँ से अगर हम टू कॉमन ले लें माइनस टू कॉमन ले लें तो ये आ जाता है बी प्लस सी बाय टू ए प्लस बी. टू टू कैंसिल पीछे बच जाता है एच सी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी. तो ये हमने प्लस वाला किया, अब माइनस वाला कर लेते हैं. एच इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी इंटू माइनस ए माइनस सी बाय टू ए प्लस बी. तो ये आ जाता है माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी. तो ये आ जाता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी कैंसिल. पीछे बाजी ना हमारे पास माइनस टू ए माइनस टू बी बाई टू ए प्लस बी. यहाँ से अगर हम माइनस टू कॉमन ले लें तो पीछे बच जाए हमारे पास ए प्लस बी. यहाँ पे भी हमारे पास ए प्लस बी है. सो ए प्लस बी और ए प्लस बी भी आपस में कैंसिल, टू और टू भी कैंसिल. पीछे हमारे पास बाजी थे थ्री इक्वल टू माइनस वन. सो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस वन एंड माइनस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी. तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया. मुझे उम्मीद है जब आप तो समझ आ गया होगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं. चाहे ये हमारे पास इस तरह से कांस्टेंट हो या हमारे पास वन टू थ्री फॉर्म में हो. सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. और मेरे चैनल को दूसरों तक शेयर करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.